नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नून। पाक विदेश मंत्री ने 370 पर स्वीकारी हार, कश्मीरियों ने दिया करारा जवाब। कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान जबरदस्त बौखलाया हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने अब अपनी हार स्वीकार कर ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने माना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को समर्थन मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निजी हित भारत से हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर अरबों का निवेश किया हुआ है। ऐसे में वह पाकिस्तान का साथ देंगे, ये बेहद मुश्किल है। कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा अमेरिका, ट्रंप का मध्यस्थता से साफ इनकार। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और अमेरिका इसमें कतई दखल नहीं देगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति पर चलना चाहता है। वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। अयोध्या केस में रामलला के वकीलों का तर्क, मस्जिद बनाने वाले का सबूत नहीं। अयोध्या विवादित जमीन की मंगलवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि उनके पास 438 साल से इस जमीन का अधिकार है। इस पर तर्क देते हुए रामलला के वकीलों ने कहा कि मस्जिद से पहले उस स्थान पर मंदिर था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनाई थी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों के तर्क मानने से इनकार किया है। सोनिया और कांग्रेस पर शिवसेना का निशाना, कहा मीना बाजार बन गई पार्टी। कांग्रेस की बागडोर एक बार फिर सोनिया गांधी के हाथों में दिए जाने को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली का मीना बाजार बन गई है, जहां सिर्फ पुराने ग्राहक घूमते नजर आते हैं। बता दें, राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हाल में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज भरेंगे नामांकन, बसपा ने दिया समर्थन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मंगलवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए वे जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका स्वागत करने पहुंचे। डॉक्टर सिंह फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। राजस्थान में मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई सीट से कांग्रेस मनमोहन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस के पास अपने 100 विधायकों के अलावा निर्दलीय, बसपा और बीटीपी का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में उनका राज्यसभा पहुंचना तय है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।